वेलकम टू माय चैनल द कुक हाउस पेरेंट्स। तो कैसी लग रही है आज की हमारी ये टेस्टी सी मिठाई? बहुत ही जल्दी बन जाती है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको बनाने में, बहुत ही ईजी है। और डेकोरेशन आप लोगों को आज की हमारी मिठाई की कैसी लगी? तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें और बने रहिए पूरी हमारी वीडियो में। चलिए फिर बना लेते हैं टेस्टी सी अपनी मिठाई, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और टेस्टी डिलीशियस लगती है खाने में। वैसे इस मिठाई को बनाने के सबसे पहले हम करेंगे गैस को ऑन। यहाँ चढ़ा दिया हमने अपने फ्राई पैन, तो इसमें ऐड कर देंगे हम एक बार भर के दूध जो उबला हुआ है, तो हम इसे और उबालेंगे तो दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा। तो एक स्पून ऐड कर देंगे इसमें अपना घी, जो देसी घी लिया हमने। इसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं आधा बाउल चीनी, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तो अच्छे से मिक्स करके उसे उबाल आ जाएगा उसमें, देखिए तो उबाल आ गया है हल्का सा। तो इसमें ऐड कर देंगे अपना ये गोले का बुरादा, तो इसे मिक्स करते हुए अच्छे से हम इसे पकाएंगे गाढ़ा होने तक, जिससे कि ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और खाने में अच्छा लगेगा। तो यह गैस हमारा जो गोला हमने ऐड किया गया दूध में, तो ये अच्छे से मतलब सही हो गया है। तो इसमें अब ऐड कर देंगे हम 2 स्पून मिल्क पाउडर, इससे मावा वाला टेस्ट लाने के लिए। तो करेंगे इसको भी मिक्स। अगर आपके पास मावा हो खोया तो आप खोया भी डाल सकते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। अगर दोनों चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें दूध की मात्रा आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो फ्लेवर के लिए गैस हम इसमें इलायची डाल देंगे। तो हमने 2 इलायची ली हैं, आप इसकी जगह पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं इलायची का, तो वो आप बाद में भी डाल सकते हैं इस तरीके से। तो यह गैस हम 1 स्पून घी और ऐड करेंगे। तो गैस देखिए हमारी स्टफिंग बनके तैयार है गोले की, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो सारा इसने अपना पैन छोड़ दिया, इस तरीके से हमें पकाना है। तो अब कर देंगे हम गैस को बंद, ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। उसी पैन को ले लिया है अपने मिश्रण को बाहर निकाल के, तो इसमें हमें एक स्पून इसमें ऐड कर देंगे घी, और जो ड्राई फ्रूट लिए हमने थोड़े से दर दर कूट करके, तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो गैस आप लोग भी इस तरीके से फ्राई करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है रखा था हमने। तो उसको मिक्स करेंगे जिससे कि हमें ड्राई फ्रूट अच्छे से ब्लेंड हो जाए सारे एक दूसरे में मिक्स इस तरीके से। तो अब कर देंगे हम गैस को बंद, इतना ही करना था हमें। तो गैस जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे ये हुए ठंडे, तो हम की छोटी छोटी सी गोली बना के रख लेंगे इनके अंदर स्टफिंग करने के लिए, जो खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं जब हम नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो गैस हमारी सारी गोलियां बनके तैयार हैं, तो कुछ इस तरीके से हमने बना के तैयार कर ली है। तो ये हमारी स्टफिंग ये भी ठंडी हो गई, तो इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा ग्रीन कलर, तो इसे करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो गैस यहाँ हो गया है मिक्स, कितना बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त ग्रीन कलर प्यारा सा। तो बनाएंगे हम इसकी मिठाई, बहुत ही टेस्टी लगती है गैस। छोटी छोटी बॉल्स जो कि हमने ये साइज़ बनाया है ना, इनसे थोड़ा सा बड़ा रखना है हमें, बस इतना आइडिया ले लीजिए आप। तो इस तरीके से हम करेंगे हल्का सा प्रेस करके इस तरह, और एक बॉल उठाएँगे हम इसके अंदर फिल कर देंगे, बहुत ही आराम से बन जाएगा। जब आप खाएंगे तो दानेदार ड्राई फ्रूट जब आते हैं ना दांत के नीचे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में। तो इस तरीके से हम बना करके सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना इस तरीके से। तो वैसे हमारी सारी बॉल्स बन के तैयार हो गई हैं, तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो इस तरीके से आप बना के तैयार कर लें, तो हमारी इतनी बॉल बनी है। तो नेक्स्ट काम अब हम करना है, जैसे ये सूखा गोले का बुरादा हमने बचा के रखा है, तो इनको इस तरीके से इनमें फिल करना है अच्छे से,
कोट हो जाए इस तरीके से। तो सारी बॉल को हम इस तरीके से तैयार करेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं देखने में, सुंदर। देखो मिठाई को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है, तो अभी टेस्ट है गाइस। पूरी पिक्चर देखें आप, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये वीडियो, कि ये मैं समझ रहा हूँ पूरी वीडियो हो गई है। तो हम यहाँ लेंगे एक पैन, तो इस तरीके से हल्का सा दबा देंगे, कितना सुंदर लग रहा है ना इस तरीके से। तो सारी मिठाई हम इस तरीके से ही करेंगे। तो बस ये देख रहे हैं आप फूल जो हमने लिए हैं अपने पेड़ों से तोड़ करके, तो इनको धो करके हमने साफ़ कर लिया है। तो इनको उठा के हम इस तरीके से एक कैंची की मदद से इस सारी डंठल इनको हटा देंगे हम कुछ इस तरीके से। अब दो या तीन जितना भी आप लगाना चाहते हैं उतनी डंडी इसमें रखें, बाकी की हटा दें। तो हम इनको तो यहाँ लगा लेंगे डंडी अपनी इस तरीके से, हल्का सा दबाएंगे हम बस। अब एक या दो मतलब तीन का पेयर या दो का पेयर जैसा आप बनाना चाहें आप वैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से लगा लेंगे सभी में, आप पत्ती के साथ लगाना चाहें तो पत्ती के साथ भी इस तरीके से लगाएं, बहुत ही सुंदर लगती हैं दिखने में। तो देखिए लग रही कितनी ब्यूटीफुल। तो यहाँ गैस हमारी फाइनली मिठाई बनकर के तैयार है, तो हम आपको काट करके दिखाते हैं कि कितनी अच्छी बनी है फीलिंग वाली, एकदम से मस्त वाली। तो देखिए कितनी अच्छी फीलिंग भरी हुई है ड्राई फ्रूट की, मज़ेदार। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करें ताकि, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से बना करके इंजॉय करें। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप बना करके इसे तैयार कर सकते हैं। आप इस मिठाई को क्या नाम देना चाहेंगे तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें यकीन है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप लोग अपने घर में बना करके इसको ज़रूर इंजॉय करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। तो मिलती है एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।